राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं चतुश्लोकी हिंदी अर्थ के साथ। मित्रों, चतुश्लोकी चार श्लोकों से बना हुआ है और इन चार श्लोकों में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को व्यक्त किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः करिष्यति सा एवास्म दैहिकम पारलौकिकम, अर्थात सबके आत्मा रूप से व्याप्त भगवान व्रजराज श्री कृष्ण का ही सदैव भजन करना चाहिए, वे ही हम लोगों के लौकिक और पारलौकिक लाभ सिद्ध करेंगे। अन्याश्रयो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सह स्वकीय स्वात्म भावश्च कर्तव्यः सर्वथा सदा, अर्थात दूसरे का आश्रय नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह सर्वथा बाधक होता है। सदा स्वावलंबी होकर सब तरह से आत्मभाव का पालन करना चाहिए। सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादि दोषनुत तद भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयमादरात्, अर्थात कालादि दोषों को दूर करने वाले भगवान कृष्ण का सदा सर्वथा सेवन करना चाहिए और दोष दृष्टि को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक उनके भक्तों का संग करना चाहिए। भगवतेव सततम् स्थापनीयम् मनः स्वयं कालोयम् कठिनो अपि श्री कृष्ण भक्तान् बाधते, अर्थात भगवान कृष्ण में ही सदैव अपने मन को लगाए रखना चाहिए क्योंकि उनके भक्तों को यह कठिन काल भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। इति श्री विठ्ठलेश्वरोक्ता चतुश्लोकी समाप्ता। नमो नारायण।